जय हिंद टू ऑल एजुकेशन रिफॉर्मर्स व्यूअर्स, ऑल आर वेलकम टू एजुकेशन रिफॉर्मर्स एंड वार्म एंड स्पेशल वेलकम फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीरीज फ्रॉम एजुकेशन रिफॉर्मर्स एंड टीम। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सभी लोग से अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखें और आगे की जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन जय हिंद बोलकर जरूर दबाएं। इस वीडियो में हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म कब रिलीज़ होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में दाखिला लेने के लिए, और एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की हर एक, मतलब बीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक, बीए, एमए, बीसीए, बीकॉम, सारी की 3 साल, 2 साल, 5 साल, जितने के ईयर्स के प्रोग्राम है उसकी टोटल फ़ीस कितनी लगेगी, ये भी इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। और कैसे प्रिपेयर करें दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, इस वीडियो में हम सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोग का फॉर्म एक्सपेक्टेड जो मंथ है वो है अप्रैल और मई में रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के फॉर्म थोड़े लेट से आते हैं। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि अब की बार मार्च में ही फॉर्म आपके रिलीज़ हो जाएं, तो जैसे ही जानकारी आएगी हम आप लोगों को ज़रूर बता देंगे। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको अंडर ग्रेजुएट में दाखिला लेना है, जैसे बीए में लेना है, बीएससी में लेना है, बीकॉम में लेना है, तो आपको क्या चीज़ एलिजिबल होंगे तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं यूनिवर्सिटी का। तो उसमें आप क्लास ट्वेल्थ कितने भी परसेंट से, 50% का पहले था, अभी कोई परसेंट नहीं है। अगर आप क्लास ट्वेल्थ पास हैं और पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप यूजी पास हैं, सिर्फ पास हैं, तो आप यूनिवर्सिटी का पेपर दे सकते हैं, आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। तो ये रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी 1957 में रिकॉग्नाइज हुआ था यूजीसी से, और ये आपको अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कोर्स ऑफर करता है, प्लस एमबीए के लिए भी अब शुरू हो गया है और बीटेक एमटेक के लिए भी शुरू हो चुका है। तो चलते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। जब भी फॉर्म रिलीज होगा अभी एजुकेशन रिफॉर्मर्स की टीम आपको सबसे पहले जानकारी देगी। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए जनरल और ओबीसी 750 है, एससी एसटी के लिए 400 है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जनरल ओबीसी 1000 है और एससी एसटी के लिए 500 है। ये रही फ़ीस। अब पूरे टोटल कोर्सेज की फ़ीस कितनी है। बीए के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये 3 साल की फ़ीस है, ये 1 साल की फ़ीस नहीं है, ये टोटल ईयर्स की फ़ीस है जितने का आपका लर्निंग प्रोग्राम होगा। तो बीए का 7776 है, बीबीए का थ्री ईयर्स का 7776 है, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का 90,000 है, बीजेएमसी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का 7776 है। एलएलबी का 3 ईयर्स प्रोग्राम का फ़ीस अभी हम लोग को नहीं पता है। बी डॉट एलआईबी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का 1 ईयर का प्रोग्राम का हमको फ़ीस नहीं पता है। एमएड का 2 ईयर्स का फ़ीस 1.10 लाख है। मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 2 साल का प्रोग्राम है जिसकी फ़ीस 5130 है। LLM मास्टर ऑफ लॉ की 5130 है। MBA जो पिछले साल लॉन्च हुआ है
मास्टर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 2 साल का प्रोग्राम है जिसकी फ़ीस 86,400 है। एम कॉम की फ़ीस 2 साल प्रोग्राम की 5,130 है। और इसी तरह एम एस सी मास्टर ऑफ साइंस 5,222 फीस है। अब चलते हैं आगे। मेरे ख्याल से हमने एम ए बी कॉम डिस्कस नहीं किया है, तो बी कॉम के 3 ईयर्स प्रोग्राम का 7,632 फीस है और बी बी ए का 7,776 फीस है 3 ईयर्स के प्रोग्राम का। बैचलर ऑफ साइंस बी एस सी का 3 साल प्रोग्राम का 7,776 रुपीज़ फीस है 3 साल का। अब चलते हैं जो नए कोर्स लॉन्च हुए। बी टेक 1,52,000 है पहले ईयर का, सेकेंड ईयर का भी 1,52,000 है। एम टेक का 50,000 है और सेकेंड ईयर एम टेक के लिए 1,40,000 है। अगर आपको टी डी यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है, किस कोर्स के लिए प्रिपेयर करना है ये भी हमें बताएं। उसकी हम एक सीरीज़ लॉन्च